बहराइच जिले के कैसरगंज थाना क्षेत्र के मंझारा तोकली के बबुरी गांव में आज दिन दहाड़े एक युवक की सरेआम हुई हत्या। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसके चलते सुनील कुमार की कुल्हाड़ी व बांकों से काट कर मौत के घाट उतार दिया गया है और घटना को अंजाम देने वाले बड़ी आसनी से मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे घर वालों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन घर वालों का आरोप है कि करीब दो घंटे तक कोई पुलिस कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा और गांव में तनाव बढ़ता चला गया। काफी देर बाद कैसरगंज व बॉर्डी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को किसी तरह शांत कराया। ये कैसरगंज थाना क्षेत्र का मंझारा तोकली का बबरी गांव है और इसमें आज सुनील कुमार सना फौजदार की हत्या हुई है, जिसमें उनकी डेड बॉडी को यहाँ से भेजा गया है और अभी FIR की तहरीर नहीं प्राप्त हुई। अति शीघ्र जो है तहरीर प्राप्त करके FIR दर्ज कराई जाएगी और साथ ही साथ कुछ लोगों का नाम इन लोगों ने बताया है और अति शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ उनके कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, उसके मद्देनजर देखते हुए इसमें गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई कराई जाएगी। सर, गैंगस्टर एक्ट कहते हैं, पहले से इसके ऊपर लगा हुआ है जैसे गांव के लोग जो बता रहे हैं? उस पूरे प्रकरण की समीक्षा की जाएगी और जो भी होगा गैंगस्टर एक्ट में इसमें कुर्की की कार्रवाई, जो भी इनकी संपत्ति है उसको सीजिंग की कार्रवाई और आवश्यकता पड़ी तो ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई कराई जाएगी। जी, कैसरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 दिन में दूसरी वारदात खुलेआम गोली चलाकर हत्या की गई है? नहीं, ये पहली हत्या है। नहीं सर, कैसरगंज के आयमा ग्राम पंचायत में किसी रसिया को लेकर गोली विवाद परसों हुआ था। रसिया एक जमीनी प्रॉपर्टी डीलर था जो कि किसी को जमीन दिखाने गया था जी। और उन्हीं लोगों ने जिसको जमीन दिखाने गया था उनका ये कहना है कि उन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया है जी। उस पूरे प्रकरण की जो है जांच की जा रही है और FIR दर्ज कर